वालेकुम अस्सलाम। मेकअप से तुम्हारी राह देख रही थी अक्रम। माफ कीजिएगा, दरअसल कुछ जरूरी काम निकल आया, इसलिए आने में देर हो गई। मैंने सोचा शायद तुम अब यहाँ कभी नहीं आओगे, इसलिए सोचा शायद मेरे बुलाने पर भी ना आओ। आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपको मैंने हमेशा अपनी माँ की तरह समझा। काश तुम्हारी माँ जिंदा होती आज, अपने बेटे को इस कदर लायक और फरमा बरदार पाकर कितनी खुश होती। मुझ बदनसीब के मुकद्दर में ऐसी खुशी कहाँ मिली। मैं समझ सकता हूँ समीर की वजह से किस कदर आपका दिल टूटा है, मगर मैं आपसे यही कहूंगा कि समीर के लिए आप अपने दिल से हमेशा दुआएं निकालिए, क्योंकि माँ की बददुआएं औलाद के लिए इस दुनिया में आज़ाब की वजह बन जाती है। एक माँ अपनी औलाद को कभी बददुआ दे सकती है? बहुत खुशनसीब है समीर जिसे आप जैसी माँ मिली, मगर अंकल ने उसके साथ बड़ी ज्यादती की, उसे छोड़ देते अपने हाल पे, विरासत से भी दखल करने की क्या जरूरत है। मैंने बहुत रोका उन्हें पर। कहाँ है आंटी? अपने कमरे में। ओह अच्छा, आपने क्यों बुलाया था आंटी? क्यों, जल्दी है जाने की? नहीं एक्चुअली डर लग रहा है, अगर अंकल ने देख लिया तो फिर से एक बार नाराज हो जाएंगे मुझे। अरे नहीं नहीं, उन्होंने मुझसे कहा है तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए। अच्छा मेरे घर पे आज आप दोनों आ रहे हैं ना दावत पे, मैं तभी बात कर लूंगा तुमसे। उन्हें एक जरूरी बात करनी है तुमसे, मिला बेटे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बैठो। बैठो बैठो। शुक्रिया। और अंकल, रवानगी की सारी तैयारियां हो गई? हाँ बेटा, सारी तैयारियां हो गई। न जाने किसकी दुआओं का असर है जो अपने इस बंदे पर अल्लाह पाक ने नजरे करम इनायत फरमाया। बेटे, जाने अनजाने अगर मैंने तुम्हारे दिल को दुखाया हो तो मुझे माफ कर देना। मेरे दिल में कोई ख्वाहिश नहीं है। अगर मैंने आपका दिल दुखाया है या कोई ऐसी बात कही है जो आपको बुरी लगी हो तो आप मुझे माफ कर दीजिए। मैंने तुम्हें माफ किया बेटे। बेटा, मैं अपनी गैर मौजूदगी में तुम पर एक जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूं। आप हुक्म कीजिए। अकरम, मैं चाहता हूं कि जब तक मैं लौट कर ना आऊं, मेरी गैर मौजूदगी में बिजनेस तुम संभालो। क्या सोचने लगे? समीर का ख्याल आ गया। मेरी दरखास्त के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? आपका हुक्म सर आंखों पर, आप बेफिक्र होके जाइए आंटी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने कैसे कैसे नेक बंदे बनाए। अरे खाला जान, आप आदाब। जी रहो। लाइए। अरे रहने दो। अरे लाइए ना। कैसे हो तुम? मेरी छोड़िए, आप अपनी सुनाइए। मैं तो ठीक हूँ, देख लो। ये नया बंगला बहुत ही अच्छा है। बैठिए ना। गुलनार को बुलाओ ना। और फैजान भाई कहाँ है? मैं उन्हें मुबारकबाद देने आई हूँ। वो दोनों ही घर पर नहीं है, सरफराज अंकल के घर दावत पर गए हैं। हाँ अब तो दावतों का सिलसिला शुरू हो गया होगा। आप उनके आने तक मुँह हाथ धो लीजिए, फिर मैं आपको घर दिखा देती हूँ। पिछली बार मैंने कहा था ना कि आइंदा जब मैं आऊंगी तो तुम्हें तुम्हारे मियाँ के घर होना चाहिए। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? आप तो जानती हैं, अम्मी और अब्बू एकदम अकेले पड़ गए हैं। अब तो हीना भी नहीं है। हाँ, समीर ने बहुत बुरा किया उस बेचारे के साथ। कहाँ है वो? अब मैं फुर्सत से आई हूँ, खबर लेती हूँ उसकी। समीर की हरकतों ने तो सुकून गारत कर दिया। कहाँ मिलेगा वो? ऑफिस में तो जरूर होगा ना? नहीं, वो आपको ऑफिस में नहीं मिलेगा। तो मोबाइल नंबर दे दो। अब तो उसके पास मोबाइल भी नहीं रहा। क्या मतलब? अब मैं आपसे कैसे कहूँ?
अबू ने उसे बेदखल कर दिया है। ये कैसा गजब हो गया। देखिए तो कौन आया है। अरे आपा, आपा, आप क्या आए। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस अभी अभी आई है। क्या बात है आपा, आप तो बुझी बुझी सी नजर आ रही। इस घर का चिराग ही नहीं इस घर में। तो नमीरा ने बता दिया सब कुछ। ये आपने ठीक नहीं किया, बुला लीजिए उसे। अरे भाई आपके मियां साहब कहाँ हैं? उन्हें तो मालूम था कि हम जा रहे हैं ना। नहीं मालूम था क्या? तो मिलने क्यों नहीं आए? वो फोन कर देंगे आपको। वैसे कब की रवानगी है आपकी? कल ही। आप समीर से मिल ही लीजिए। अरे नमीरा, तुमने खाला को अपना नया घर नहीं दिखाया? आप मेरी बात को क्यों टाल रहे हैं? देखिए आप आपा की बात को मत टालिए। मैं तो कहती हूँ यही मौका है, आप हीना के घर खुद जाएं। ऐसे मुबारक मौके पर वो अपनी रंजिश को जरूर भुला देंगे। बेगम, अमृत ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा किया उसने। उसने मेरी दोस्ती का लिहाज नहीं रखा। क्या जरूरत थी अकरम की शर्त मान लेने की? अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी। बेटी तुम्हारी उस मुलाकात का नतीजा क्या रहा? अच्छा रहा, मगर मैं देख रही हूं कि आपको किसी बात पर नागवारी हो रही है। तुमने बताया क्यों नहीं कि अकरम ने शर्तें क्या रखी? कम से कम मैं अमृत को मजबूर करता कि उन्हें मंजूर ना करे। अबू आप जानते हैं कि अकरम ने महज मेरी खातिर अपने प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस ठुकरा दिया था। अब अगर इस बार आपकी वजह से वो फिर से नाकाम हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। इस मामले में तो मैं हीना की तरफदारी करूंगी। जब अकरम अपनी हीना के लिए इतना भला साबित हुआ है तो हम उसके बारे में बुरा कैसे सोच सकते थे। लेकिन इससे फायदा तो फैजान को हुआ। क्या मेरा फायदा नहीं हुआ अबू? मेरी जिंदगी को क्या एक और मकसद नहीं मिला? मेरी तो आपसे यही इल्तजा है अबू कि आप उन्हें उनकी जिंदगी जीने दें और हम अपनी जिंदगी जी। अस्सलाम वालेकुम। आप और यहां मिर्जा साहब आ नहीं पड़ा आपसे गिले शिकवे दूर करने और आपसे गले मिलने। दिल मिलने के दिन गए फैजान साहब, तो गले क्या मिलेंगे? हमारे दिल के छाले फोड़ने आए हैं। नहीं शगुफ्ता, हम बस मुझे आप कुछ नहीं सुनना। सुन लिया ना आपने? अब बराए मेहरबानी उल्टे पांव यहां से तशरीफ ले जाइए। मिर्जा साहब आप खफा रहे तो मैं कैसे जा सकता हूं? आपको जाना होगा और ता हयात मेरी खफगी झेलनी होगी। अबू, अबू दरअसल ये हज अदा करने जा रहे हैं। हज? आपके दिल की रंजिश लिए मैं उस रब्बुल आलमीन की बारगाह में जा नहीं सकता। तशरीफ रखिए, पहले आप गले तो लगाएं। गले नहीं मिलोगी गुलना। लेकिन मैं तो हज पे नहीं जा रही हूं। तो क्या हुआ, सारे गिले तो जाते रहे, इसी खुशी में मिल लो। तशरीफ रखिए। आप बैठो बुल्ला। शुक्रिया मिर्जा साहब, मैं अपने दिल की गहराइयों से माफी मांगता हूं आपसे। ऐसे मौके पर दिल में रंजिश रखी
तो खुदा को जवाब दे होना पड़ेगा। अब्बू, ये आपसे माफी मांग रहे हैं और आप। फैजान साहब, आप ऐसे मौके पे आए हैं कि मैं आपको मायूस नहीं कर सकता। मैंने आपको माफ किया, अल्लाह आपको माफ करे। मिर्जा साहब, आपने बड़ी आला जर्फी का सबूत दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फैजान साहब, ये तो हमारे मजहब की अजमत का एक आला तरीन और बेमिसाल नमूना है। अल्लाह के हुजूर में जाने वाला हर मुसलमान किसी की रंजिश, किसी का मकरूज, किसी भी हक तलफी का तौक अपने गले में लेकर नहीं जाता। कितना अजीम है वो मुसलमान जिसे हज की सआदत नसीब होती है। अल्लाह हमें भी वो तौफीक दे। आमीन। बेटी, जाने अनजाने अगर मेरी वजह से तुम्हारे दिल को कोई भी ठेस पहुंची हो तो मुझे अपना गुनहगार समझकर माफ कर देना। आप बहुत नेक दिल इंसान हैं। मैंने आपको एक शफीक बुजुर्ग की हैसियत से पाया। मुझसे माफी मांगकर आप शर्मिंदा ना करें, फिर भी अल्लाह गवाह है मैंने आपको माफ किया। मिर्जा साहब, ऐसे मौके पर अमृतलाल जी को फरामोश नहीं किया जा सकता। अगर वो ऐन वक्त पर पेमेंट नहीं करते तो मैं ये दिन देखने से महरूम रह जाता। दुआएं तो अकरम को दीजिए, उसी की वजह से आज हम सब इकट्ठे हुए हैं। अकरम बेटा, तुम क्या कह रही हो, मैं कुछ समझा नहीं। आप छोड़िए इन बातों को, पहले आपकी खातिर तवाजे तो हो जाए। रवि, तुम्हें क्या लगता है जिन लोगों से तुमने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया उनमें से किसी के यहां मुझे जॉब मिल जाएगा? समीर, आज कॉन्फ्रेंस में मुझे एक भी ढंग का क्लाइंट नहीं मिला। जब देखो तुम्हें सिर्फ अपने काम की पड़ी है। प्लीज इस वक्त तुम मेरी बात का जवाब दो। ओके ओके ओके, मैं उनसे बात करके तुम्हें बता दूंगी। ओके okay? अब कुछ और बातें करें। तुम्हें याद है हम पहले अपनी सारी शाम रेस्टोरेंट में बिताया करते थे और वही अपने प्यार की एक नई दुनिया बसाने के ख्वाब बना करते थे। हमेशा अपने प्यार में खोए रहते थे और आज तुम्हें अपने बिजनेस की पड़ी है और मुझे अपनी नौकरी की पड़ी है। कहां गए मित्र? समीर, आज हमारी जिंदगी का सामना दुनिया की सच्चाई से हुआ है। आप बहुत नाजुक होते हैं समीर, हकीकत से टकराकर अक्सर टूट जाते हैं। वादा करो कि हम अपने ख्वाब कभी टूटने नहीं देंगे। इसको इस तरह रखना। हाँ, मैं रखती हूँ। अरे वाह, बड़े जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। क्या बात है, आप खामोश क्यों हैं? समझ गया, आपको इस बात का मलाल है ना कि आपको हज पर जाने का मौका नहीं मिल रहा। आप मिला है अपने दोस्तों से? हाँ, तकरीबन सभी से मुलाकात है। और रिश्ते में जो आपके करीब है उनसे नहीं मिलेंगे आप? गुल्ला तो इसी रंज में बैठी है यहाँ, मैं तो उसे मना मना कर थक गई। बस यही रटे जा रही है कि एक बार आप समीर से मिल लेते तो क्या जाता। अगर मैं हज पर जाती तो हरम शरीफ पकड़कर दुआएं मांगती कि अल्लाह आपके दिल में बेटे की मोहब्बत पैदा कर दे। मगर मैं ममता की मारी अपने नसीब पर आंसू बहाने के अलावा और कर भी कह सकती हूँ? गुलनार, आप समझती क्यों नहीं?
आप ये क्यों बोल रहे हैं कि अल्लाह माफी को पसंद फरमाता है और फिर ऐसे मुकद्दस मुकाम पर जाने से पहले पत्थर भी मौम हो जाता है? दरबारे इलाही का तसव्वुर उभरता है तो दिल में नूर पैदा होता है, और आप है कि अपने ही बेटे से इस कदर नाराज हुए बैठे। ठीक है, मैं दिल से कबूल करता हूं कि मैं इस मौके पर गलत हूं। मिलूंगा मैं समीर से, आप मुझे मिलवाने ले चलिए उससे। चलो गुलना, तुम्हें तो पता है ना कि समीर का ठिकाना कहाँ है? हाँ, नमीरा गई है तौकीर से मिलने। मैं ऐसा करती हूँ, उसे फोन किए देती हूँ कि वो समीर को साथ लेकर फौरन यहाँ चली आए। कितनी खुशी की बात है ना कि आज अब्बू ने खुद समीर को बुलाया है। जब समीर को पता चलेगा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। लगता है आज के बाद हम सबकी जिंदगी का एक नया आगाज होगा। इंशाल्लाह। समीर तो बाहर गया है, उसके पास तो मोबाइल भी नहीं है कि फोन कर पता किया जाए वो कहाँ होगा। अब ऐसा करते हैं, हम थोड़ा घूमाते हैं फिर वापस आते हैं। नहीं नहीं, पता नहीं वो कब तक लौटेगा। एक काम करते हैं, मैं नोट लिख देती हूँ, पेन दीजिए। समीर आ गया? नमीरा तो जाकर आई मगर वो घर ही नहीं पहुंचा होगा अब तक। जब उसके लिए दिल में नफरत थी तो हर वक्त सामने आ जाता था। आज एक बाप अपने बेटे को सीने से लगाना चाहता है तो हजरत नदारत है। वक्त बीतता जा रहा है गुलजार, मैं अपने दिल की कैफियत बता नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अरे अल्लाह आपका हज कबूल फरमाएंगे। अंकल वहां अपने दुआओं में आप हमारे लिए दुआ जरूर मांगना। इंशाल्लाह, तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया है बेटे उसके लिए तो दिल से दुआएं निकलती हैं। लेकिन अंकल, एक बाप होने के नाते अपने बेटे पर भी कुछ हक है आपके। इन्हें एहसास हो गया है अकरम, और समीर को जो बेदखल किया था इन्होंने उस वसीयत को खारिज करने की अर्जी भी दे दी है। ये तो बड़ी खुशी की बात है, मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ उसे। मैं गई थी वहाँ लेकिन वो था नहीं, मैं इसे छोड़ कर आई हूँ। अब वक्त कहाँ है उसका इंतजार करने का, क्या करें, रवाने तो होना ही पड़ेगा। समीर से मिलने की आरजू दिल में रहेगी। बेटे तुम्हारे अब्बू साथ में आए? वो आने वाले थे लेकिन एक इमरजेंसी केस आ गया इसलिए उन्हें जाना पड़ा। अंकल वो आपको एयरपोर्ट पे ही मिलेंगे। अच्छा चलो चलते हैं। क्योंकि मैं तो उस दिन के सपने देख रहा हूँ जब हम दोनों का घर एक ही होगा। समीर तुम बार बार एक ही बात क्यों दोहराते रहते हो? पहले तो तुम्हें ही शादी की जल्दी थी फिर अब। समीर मैंने कहा ना, पहले तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके यहाँ कोई आकर गया। रुपी ये क्या है? समीर अब हज के लिए जा रहे हैं, उन्होंने मुझे बुलाया है, लगता है मुझे माफ करेंगे। फिर तो तुम्हें फौरन जाना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ। समीर टाइम मत वेस्ट करो, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप करती हूँ। चलो लगा दी आने में बेटा। कहाँ थे तुम? मुझे जैसे ही मैसेज मिला मैं फौरन चलाया। ये बताइए अब्बू कहाँ है? समीर वो क्या, वो जल्दी बोलो। बात ये है समीर कि हम सब अब्बू को अभी अभी हज के लिए रवाना करके आ रहे हैं। क्या? हाँ समीर वो तो चले गए और मैं उनके गले मिलके उनसे माफी भी नहीं मांग सका। कितना बदनसीब हूं मैं, मेरी ये बदनसीबी कब मेरा पीछा छोड़ेगी अम्मी?